नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जाम मित्र कविता सुनिश्चा लेकर आ चुका हूं एग्जाम का एक और डिजिटल ज्ञान। दोस्तों आज के ज्ञान में हम बात करने वाले हैं B2B वेबसाइट्स के बारे में, हम बात करने वाले हैं ट्रेड पोर्टल्स के बारे में, हम बात करने वाले हैं कि बायर का लीड जनरेशन कैसे होता है और उसमें B2B ट्रेड पोर्टल्स का क्या रोल है। दोस्तों मैं ये जो बात करूंगा, अगेन एज यूजुअल हर एक वीडियो के जैसे कुछ हटके बात करूंगा, कुछ ऐसी बातें जो आपको किसी वीडियो में ना सुनने मिली होगी ना कोई आपको बता पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो बात शेयर करते हैं वो मेरी डिजिटल एक्सिम की जो पूरी ट्रेड टीम है ना, वो ट्रेड टीम जो काम करती है वो काम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ओपन, और उसी बेसिस पे हम आपको गाइडेंस देते हैं और आपको बनाते हैं एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन। सो दोस्तों हम किस तरह से लीड जनरेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बायर्स ढूंढ सकते हैं और उसमें B2B पोर्टल्स का यानी कि ट्रेड पोर्टल्स का सबसे बड़ा रोल कैसे है, पर उससे पहले तैयारी क्या करनी है, उससे पहले आपको क्या चीजें तैयार रखनी है जिससे आप ये B2B पोर्टल्स का फायदा उठा सको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के, बिना पहले से सब कुछ प्लान करे कोई भी स्टेप मत लो, और इसीलिए मैं सबको ये जरूर बोलता हूँ कि ट्रेड पोर्टल तो लेना पड़ेगा ही। आपको लोग बोलते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करो या फिर बिना ट्रेड पोर्टल से बिजनेस करो। देखो भाई, धंधा करने निकले हो, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। छोटा इन्वेस्टमेंट करो, लाखों करोड़ों का करने की जरूरत नहीं है, हजारों में तो करो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपको रिटर्न्स देंगे। किस तरह से, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं मैं। पर B2B पोर्टल्स के बारे में जानने से पहले अब ये जानिए कि बैकएंड में आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, बैकएंड में आपको किन चीजों की तैयारी रखनी पड़ेगी जिससे आप अपने बिजनेस में B2B पोर्टल्स को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और वो तैयारी का नाम है नंबर 1 वेबसाइट। एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वेबसाइट, जिस वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके। एक मान लीजिए आपने कपड़े का शोरूम खड़ा करना है, अभी कपड़े के शोरूम में आप क्या करते हो, प्रॉपर कांच लगाते हो, लाइटिंग वाइटिंग लगाते हो, फर्नीचर बढ़िया बनाते हो, कलरफुल अट्रैक्टिव, तब जाके लोग आपके यहाँ से कपड़े खरीदते और आपका शोरूम एक ब्रांडेड शोरूम बनता है। उसी तरह से आपकी वेबसाइट आपका शोरूम है। अब ये जो शोरूम है, जो डिजिटल शोरूम यानी आपकी वेबसाइट है, इसे बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। मान लो आपने शोरूम खड़ा किया पर वहां पे भी अंदर आदमी नहीं रखे, तो किस तरह से होगा सेल, कैसे होगा, कोई आके खरीदेगा तो उसको पूछना तो क्वेरी कहां से सॉल्व करेगा। उसी तरह से वेबसाइट के अंदर आदमी रखने का क्या मतलब है, अलग अलग पेजेस जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, सबके सारे डाउट सॉल्व हो जाए। दूसरा, जब आप ये वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट के अंदर आपको हर जगह पे कॉल टू एक्शन, क्योंकि जैसे शोरूम में आदमी होता है वो सेल्स मारता है, अरे बहन जी आप ये साड़ी ले लीजिए, आप पे बहुत सुंदर लगेगी, सेल्स है ना, दैट इज कॉल टू एक्शन। उसी तरह से हमें वेबसाइट पे कॉल टू एक्शंस देने पड़ेंगे। फिर आपका जो शोरूम होता है एकदम सटीक होता है, सीधा होता है। आप मतलब साड़ी का शोरूम देखोगे तो प्रॉपर बैठने की जगह है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एकदम एसी चल रहा है, सूदिंग एक्सपीरियंस, लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा लगना चाहिए। उसी तरह से जब वेबसाइट पे आते हैं तो आपके वेबसाइट में अलग अलग सेक्शंस हो, अलग अलग पेजेस हो, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, दिखने में अच्छी हो, एंड कंटेंट ऐसे भरपूर ऐसे भरा हुआ नहीं है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बुलेट पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप सारा कंटेंट है, इमेजेस का रोल ज्यादा है, लोगों को जो देखना पसंद है वो सारी चीजें ज्यादा है, इससे आपकी वेबसाइट से लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो फिर आपके पास प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट जनरेशन करने के लिए और ये देखने के लिए कि आप खुद कितने एक्टिव है या आप कितने ज्यादा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंस है, उसके लिए आपका सोशल मीडिया होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का क्या मतलब है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, गूगल हो गया, ये चार सबसे फेमस है। आप ये चार पे एटलीस्ट अगर कर लोगे ना, ये देखो मैं बेसिक बात बोल रहा हूँ, पर ये चार तो बेसिक चाहिए। फेसबुक पे एक अकाउंट होना चाहिए, एक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपका एक हैंडल होना, आई मीन एक पेज होना चाहिए, हैंडल दैट इज पेज, लिंक्डइन पे आपका एक पेज होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए, एंड गूगल माय बिजनेस पे आपका लिस्टिंग होना चाहिए। अगर इतना भी आपने कर रखा है और इसके जितने फीचर्स है, देखो अभी हम इस डिटेल में ये फीचर्स कवर नहीं करेंगे, उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हर एक सोशल मीडिया के फीचर्स मैंने अलग से बताए हुए हैं, पर इसके जितने भी फीचर्स है, जो जो ये लोग फीचर्स दे रहे हैं, जहां जहां डिटेल्स भरने का ऑप्शन दे रहे हैं, वो सभी चीजें आपको 100% फिल करनी पड़ेगी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दिन की 10 पोस्ट डालो, जो भी काम करो कंसिस्टेंटली करो। कहने का मतलब अगर आप एक पोस्ट डाल रहे हो तो डेली एक पोस्ट डालो, आप दो दिन में एक डालो, दो दिन में एक डालो, इससे कम मत करो, इतना तो रखो। एंड मेजर एम्फेसिस वीडियोस पे दो, आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस जितना आप पोस्ट करोगे लोग उतना आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है।
और इसी के बेसिस पे आप अपनी इंक्वायरीज को कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो आपको प्रिपरेशन करनी है। अब चलो बात करते हैं ट्रेड पोर्टल्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रेड पोर्टल्स में आता है, सर मैं कौन सा ट्रेड पोर्टल लू? इसका सिंपल मैं आंसर देता हूं कि जितने भी ट्रेड पोर्टल के ऑप्शन आपके पास है, मैं कोई भी ट्रेड पोर्टल का नाम नहीं लूंगा, वो आप अपने हिसाब से लिस्ट निकालो। पर जितने भी ट्रेड पोर्टल्स आपके जहन में हैं, आपके दिमाग में हैं, उन सब के कस्टमर केयर में इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करके उनसे पूछो कि भाई साहब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना है। ट्रैफिक का क्या मतलब है कि उसके ट्रेड पोर्टल पे कितने लोग आते हैं, डेली कितने विजिट होते हैं। अब ये डेटा वो इजीली दे देगा और वो नहीं देगा, तो जो एसईओ वाला आपका कोई फ्रेंड होगा जो गूगल का एसईओ करता है, वो आपको डेटा आराम से निकाल के दे देगा। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ पता है, हम कोई नया प्रोडक्ट मान लीजिए ट्रेडिंग के लिए हमने सिलेक्ट किया, जैसे हम अभी कुछ प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, अब हमें बाकी प्रोडक्ट्स में एंट्री लेना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट का डिमांड कौन से मार्केट में है। ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल बात करता हूँ मैं। तो वो जो डिमांड जिस भी मार्केट में है, वो मार्केट यानी मान लो कि हम मेरे नए प्रोडक्ट का डिमांड अमेरिका में है, मेरे नए प्रोडक्ट का डिमांड जर्मनी में है और ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं मेरे एसईओ वाले को, मेरे टेक्निकल बंदे को बोलता हूँ कि तू भैया ये ट्रेड पोर्टल का डेटा चेक कर कि इस पे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएसए वाले कितने लोग आते हैं। अगर ये तीन कंट्री से ट्रैफिक अच्छा है तो फिर मैं वो ट्रेड पोर्टल खरीद लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रेड पोर्टल अच्छा बुरा नहीं होता है, जेन्युइन फेक पूरा ट्रेड पोर्टल ऐसा हो नहीं सकता। हर एक ट्रेड पोर्टल में जेन्युइन इंक्वायरी आती है, हर एक ट्रेड पोर्टल में फेक इंक्वायरी आती है। जेन्युइन और फेक का भेदभाव करने का एल्गोरिदम नहीं है कोई, एल्गोरिदम है कि लोग यहाँ पे डिमांड रखेंगे, दूसरे लोग यहाँ पे अपनी सप्लाई रखेंगे। ये सिंपल उसका एल्गोरिदम, मतलब उसके पीछे का लॉजिक, सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेड पोर्टल ट्रैफिक देखो पीछे का, अभी आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि इतना नॉलेज किसी का है नहीं। तो आप वो पीछे का उसका ट्रैफिक देखो, और ट्रैफिक देखने के बाद आप चूज करो जो भी ट्रेड पोर्टल आपके बजट में आते। तो पहला पॉइंट है ट्रैफिक, उसका रहता है आपका बजट, फिर बजट के हिसाब से ट्रेड पोर्टल ले लिया, काम खत्म, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। पर केवल इतना काफी नहीं है। आप सोचोगे ट्रेड पोर्टल ले लिया, अब तो क्या है भैया, अब तो मेन गेम शुरू हो रही है, अब आपको क्रिएट करना है अपना सेल्स फनल। देखो ट्रेड पोर्टल का पर्पस क्या है, ट्रेड पोर्टल का पर्पस है लीड जनरेशन। अब ये लीड जनरेशन करने का सबसे आसान तरीका ट्रेड पोर्टल है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेड पोर्टल पे करो। तो ये ट्रेड पोर्टल्स, बी टू बी पोर्टल्स, इसके थ्रू आपको डेली इंक्वायरी आती रहेगी। इनफैक्ट डेली तो क्या, हर दो तीन घंटे में आपको 50-60 इंक्वायरी आती रहेगी। उसके ऊपर एक्टिव रहना पड़ेगा। अब जैसे ही आप उसके ऊपर एक्टिव रहते हो तो आपको इंक्वायरीज आएगी, वो इंक्वायरी का कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। सबसे पहले जैसे ही कोई इंक्वायरी आती है उसको लिस्ट डाउन करो, सभी इंक्वायरीज को लिस्ट डाउन करो फटाफट। एक बार आपने लिस्ट डाउन कर लिया, फिर ट्रेड पोर्टल में से अगर ऑप्शन है कुछ रिप्लाई करने का तो रिप्लाई कर दो। कई सारे ट्रेड पोर्टल में होता है ऑप्शन, जिसमें नहीं है या हो तो भी वहां पर रिप्लाई करने के बाद आप वो सभी इंक्वायरीज के कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो और फिर उनको कॉल करो। उनको कॉल करने के बाद उनका जो इंक्वायरी रिक्वायरमेंट है वो समझो, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ईमेल करो और उनको सभी चीज़ें भेजो। फिर उनको अपने वेबसाइट और अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी भेजो ताकि वो वेरीफाई कर सके, और फिर रेगुलर फॉलोअप करो। आज के दिन में मान लो आपको 10 इंक्वायरी आती है, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 10 से बहुत ज़्यादा आती है। मान लो आज के दिन में 10 इंक्वायरी आती है, आपने 10 इंक्वायरी को अच्छे से जवाब दे दिया, आपका काम अच्छे से कर लिया। अब ये 10 में से मान लो 5 फॉलोअप कल है, परसों और दूसरे दिन आपको 10 और इंक्वायरी मिली, दूसरे तीसरे दिन आपके पास ये 5 में से 3 फॉलोअप बचे और दूसरे दिन वाले 5, तो अब आपके पास 8 फॉलोअप है। ऐसे करते करते आपका बेस बिल्ड हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिक ट्रेड की इंक्वायरी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। रेगुलर काम करो, कंसिस्टेंट काम करो, मंडे टू संडे काम करो, भले दिन के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे टाइम फिक्स करो। और टाइम कौन सा फिक्स करो, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉब और बिजनेस के साथ साथ ये कर सकते हो, दैट इज फाइन। पर आप जॉब पे भी होते हो, बिजनेस पे भी होता है, तो अपने सोशल मीडिया तो आप मंथर ही हो, आप व्हाट्सएप भी चालू रखते हो, फेसबुक भी देखते हो, अब से वो आदत हटा के ट्रेड पोर्टल देखना शुरू करो। इससे क्या फायदा है कि लाइव जैसे जैसे इंक्वायरी आती रहेगी ना, उतना ज्यादा आपको पता चलता रहेगा और उतने ज्यादा चांसेस आपके ट्रेड के सक्सेस के। ट्रेड पोर्टल से पैसा कमाने का ये एक तरीका, ऐसे 500 तरीके मेरे पास है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे काउंसिलर्स के साथ संपर्क कीजिए, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पर्सनल कंसल्टेंसी इंडिया में पहली बार डिजिटल एग्जिम लेकर आया है, इसी तरह से हटके कंसल्टेंसी और पर्सनल कंसल्टेंसी केवल डिजिटल एग्जिम के साथ, जो पिछले 33 साल से KTD अंबिका ग्रुप के माध्यम से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में अपना नाम कर रहा है। तो अपना नाम और नंबर कमेंट में छोड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बनिए इंटरनेशनल बिजनेस में। जय हिंद।